नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर। तो खबर बुलंदशहर से है जो इनामी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से हिस्ट्री शीटर इनामी बदमाश घायल हो गया। चोरी की घटनाओं में वांछित 20,000 इनामी बदमाश मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार हुआ। हिस्ट्री शीटर के कब्जे से चोरी के आभूषण, नकदी, अवैध असलाह और बाइक बरामद किए गए। खबर बुलंदशहर से है जो श्रद्धालु से भरी बस अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे पलट गई। हादसे में आधे दर्जन श्रद्धालु मामूली रूप से घायल हो गए। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बस में फंसे श्रद्धालु को बाहर निकाला। 3 मासूम सहित कुल 18 लोग बस में सवार थे। करीब आधे दर्जन लोगों को मामूली चोटें आई है। मेरठ के गाँव नगोड़ी से मथुरा वृंदावन दर्शन को जा रहे थे श्रद्धालु। वही खबर यूपी की जनपद चंदौली से है जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 200 फीट गहरी खाई में अधेड़ का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोकल लोगों के साथ 3 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पुलिस के लाख प्रयास के बाद भी शव को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। पुलिस प्रशासन के हाथ खड़े कर देने के बाद मृतकों के परिजनों ने जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे गहरी खाई में उतर कर शव को रेस्क्यू किया। ये मृतक दीनानाथ चौहान है। ये इनकी बॉडी डेड बॉडी नीचे पड़ी हुई थी, तो इसमें जो हम लोग ने मतलब ITBP की फोर्स आई रही थी यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पे जो है हमारी तरफ से पूरा कोशिश की गई थी और यहाँ पे जनता के सहयोग से इनकी डेड बॉडी जो है निकाल ली गई है ऊपर। नंद बॉक्सिंग एकेडमी की खिलाड़ी गुलनाज का साई बॉक्सिंग हॉस्टल में चयन हुआ। न्यू सेंट्रल कॉलोनी स्थित शास्त्रीय जन्मस्थली पार्क में नंद बॉक्सिंग एकेडमी की खिलाड़ी गुलनाज परवीन का पूर्वांचल का पहला गर्ल साई बॉक्सिंग हॉस्टल BHU में चयन होने पर सम्मानित किया गया। चंदौली एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के जिला महासचिव और नंद बॉक्सिंग एकेडमी के कोच कुमार नंद जी ने गुलनाज को अंगवस्त्र और टी शर्ट देकर मिठाई खिलाकर आशीर्वाद देते हुए बताया कि जनपद चंदौली से एकमात्र खिलाड़ी का चयन गुलनाज परवीन के रूप में हुआ है, जो कि गर्व की बात है। स्टील कारोबारी के 6 हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 20 लाख की फिरौती को लेकर ये वांछित चल रहा था, जो कि 21 जुलाई से अपहरण की घटना को जिसने अंजाम दिया था। हत्या के बाद स्टील व्यापारी के शव को अपहरणकर्ताओं ने यमुना नदी में फेंक दिया। 12 घंटों की यमुना नदी में खोजबीन के बाद NDRF प्रयागराज टीम को शव नदी से बरामद नहीं हो पाया। अपहरणकर्ताओं की निशानदेही पर हत्या के उपयोग की गई डिजायर कार सहित आला कत्ल सामान बरामद हुए। झांसी में 13वें दिन पूर्व मेहंदीबाग के पास व्यापारी से हुई 33 लाख की लूटकांड के फरार चल रहे 2 आरोपियों को देर रात कोतवाली थाना पुलिस और SOG टीम ने गिरफ्तार कर लिया। इस लूटकांड में 4 अन्य आरोपी को पुलिस ने 3 दिन पहले गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पकड़े गए दोनों आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से लूटे गए 69 लाख रूपये की नकदी बरामद हुई। थाना कोतवाली क्षेत्र में 35 लाख रुपए की चोरी की घटना हुई थी, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री तुलसीराम पांडे, स्वाट और सर्विलांस की टीमें जिसमें इंस्पेक्टर JP पाल, दुर्गेश और विवेचक चंद्रदेव यादव, ये लोग अथक प्रयास करते हुए इनके द्वारा 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1 अभियुक्त इस बीच अपने को न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने में सफल रहा था। 5 अभियुक्तों के कब्जे से 29,88,000 रुपये बरामद किए जा चुके हैं। कुल 33 लाख रुपए जो चोरी में गए थे। जनपद बलरामपुर के विकास खंड बलरामपुर सदर में लाभार्थी का राशन कम मिलने के विरोध में लगभग 6 माह पहले ग्राम पंचायत रघवापुर में उचित दर राशन विक्रेता का दुकान निरस्त कर दिया गया था, जो कि ग्राम पंचायत भवन रघवापुर में खुली बैठक के बाद उचित दर विक्रेता का चयन किया गया। चुनाव के मामले में रघुवापुर अति संवेदनशील है, इसलिए पुलिस प्रशासन का व्यवस्था काफी तुस्त दुरुस्त देखने को मिला। व्यवस्था में कोई व्यवधान नहीं हुआ, उसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा स्पेशली पुलिस विभाग को कि पुलिस विभाग के हमारे मित्र सब यहाँ पे बैठक के समय से पूरा फुल टाइम दिए, वो लोग यहाँ पे उपस्थित रहे और शांति व्यवस्था मेंटेन करने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रयास किया। महिला पुलिस भी हमारे बीच यहाँ उपस्थित रही, तो इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न हुआ, शांतिपूर्वक जो है बैठक।
नवाबगंज के गांव जरेली में शासन करीब शाम करीब 6 बजे यहां से गुजर रहे कांवड़ियों के जत्थे पर पत्थर फेंके जाने के मामला सामने आया, जहां कांवड़ियों ने सड़क पर जाम कर दिया। इस घटना की जानकारी जब दूसरे कांवड़ियों को हुई तो उन्होंने भी सड़क पर कांवड़ लगाकर जाम किया। कांवड़ियों पर पथराव की सूचना पर सीओ अजय कुमार गौतम, एसडीएम राजीव कुमार शुक्ल और कोतवाल अशोक कुमार कंबोज भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कांवड़ियों को शांत कराने का प्रयास करने लगे। कांवड़ियों ने इनके समझाने पर जब शांत नहीं हुए तो माहौल को खराब होते देख दूसरे थानों की पुलिस भी मौके पर बुला ली गई। खोह में पालिका अध्यक्ष रीना भाटी द्वारा किए गए हरियाली तीज के भव्य कार्यक्रम में पहुंची विधायक सुनील शर्मा की धर्मपत्नी। महिलाओं ने जमकर कार्यक्रम का उनके साथ लुत्फ उठाया। पूरे भारत में हरियाली तीज का कार्यक्रम पूरे भव्य तरीके और पूरे उत्साह के साथ महिलाओं ने मनाया। सोलह श्रृंगार करके महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के साथ साथ परिवार की लंबी आयु की कामना करते हुए इस वर्ष हरियाली तीज की शुरुआत की। तो खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में पहली बार पालिका अध्यक्ष रीना भाटी द्वारा किए गए हरियाली तीज के कार्यक्रम में साहिबाबाद विधानसभा के विधायक सुनील शर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती अलका शर्मा भी पहुंची, तो वहीं कई भाजपा अधिकारियों के साथ साथ पालिका के हजारों की तादाद में महिला जुटी हुई थी जिन्होंने हरियाली तीज का आनंद उठाया। आज खोड़ा नगर पालिका में जो हरियाली तीज का प्रोग्राम रखा गया था उसमें कम से कम 1000 से 1500 महिलाओं ने भाग लिया और जिसे कि देख सकते हैं बड़ी खुशी और बड़ी धूमधाम से ये त्यौहार मनाया गया। यहाँ पर झूला लगाया गया, ढोल से महिलाओं का स्वागत किया गया और मेरे साथ में सभी का आज का खाना था और जैसे कि देख सकते हैं। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।